आज खास दिवाली के लिए हम तीनों शेफ्स ने मिलकर हमारे टीम मेंबर्स के लिए 2 किलो महाराष्ट्रियन स्टाइल का चिवड़ा बनाया है। इतना कुरकुरा, इतना टेस्टी बना है। आप भी अगर दिवाली के लिए प्लान कर रहे हो चिवड़ा बनाने का, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही बनाना आसान है, इसे बस आप रेसिपी फॉलो कीजिए। इस रेसिपी से आपका 2 किलो चिवड़ा बन जाएगा। और इसे लंबे समय तक किस तरह से आप क्रिस्पी रख सकते हैं, इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिवड़ा बनाने के लिए लगने वाले सामान की क्वांटिटीज दे रहा हूं, ताकि सामान लाने में और बनाने में आसानी हो। यह है शेफ नीरज और यह है शेफ महादेव। हमने काफ़ी होटल्स में साथ में काम किया है और दोनों ही ये लोग बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। चिवड़ा बनाने से पहले लगने वाले इंग्रेडिएंट्स नीरज ने अच्छे से अरेंज कर लिए थे। पतला पोहा जो हम यूज़ करने वाले हैं इस रेसिपी में, उसे महादेव ने पहले ही धूप में 2 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि चिवड़ा और भी क्रिस्पी बने। इसके लिए हमने 750 ग्राम पतला पोहा लिया है और 150 ग्राम मुरमुरा। पोहा अच्छे से छान कर कढ़ाई में डाल दिया है। फिर गैस ऑन करके हमने बिल्कुल लो हीट पर इसे रोस्ट कर लिया 8 से 10 मिनट के लिए। इसे रोस्ट करते वक्त हम कंटिन्यूस करछी चला रहे थे, ताकि पोहा जलना नहीं चाहिए। 10 मिनट में यह बिल्कुल कुरकुरे बनने के बाद इसे हमने निकाल दिया और हमाम दस्ते में साबुत धनिया और सौंफ कूट लिया। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया मैंने डाल दिया इसके अंदर और 1 टेबलस्पून सौंफ। महादेव ने इसे 3 मिनट के लिए अच्छे से कूट लिया है। इसे मोटा ही रखना है, इसे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह चिवड़ा खाते वक्त ये थोड़े बड़े पीसेस जब चबाए जाते हैं ना, तो और भी टेस्टी लगता है चिवड़ा। ये होने के बाद कढ़ाई में हमने लगभग 300 ml तेल गरम कर लिया। जब पोहा सुखाने के लिए डाला था ना, उसी टाइम पर 3 प्याज महादेव ने स्लाइस कर लिए थे और उसे भी धूप में सुखाया था 2 घंटे के लिए। इससे प्याज में जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है और प्याज और भी क्रिस्पी बन जाता है। इसे मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए, ये ब्राउन कलर आना चाहिए। वैसे तो ये फ्राई किया हुआ प्याज ऑप्शनल है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अच्छे से फ्राई कर लेना, अगर प्याज ठीक से फ्राई नहीं होगा तो चिवड़ा सौगी हो सकता है। इसके बाद 300 ग्राम मूंगफली को हमने फ्राई कर लिया और ड्राई कोकोनट 150 ग्राम लिया हमने, उसे भी फ्राई कर लिया। नारियल के पीसेस फ्राई करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है हमें, ये जल्दी फ्राई होते हैं। 200 ग्राम किशमिश और 200 ग्राम काजू भी हमने चिवड़ा में फ्राई करके डाला। वैसे तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। काजू फ्राई करते वक्त नीरज ने थोड़े से पहले निकाल लिए थे, क्योंकि उसकी ब्राउनिंग की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। इसके लिए लगभग 15 ग्रीन चिली बड़े पीसेस में कट कर ली थी और ग्रीन चिली भी उसने बहुत अच्छे से फ्राई कर ली थी, क्योंकि ग्रीन चिली में मॉइस्चर रहेगा तो चिवड़ा सौगी हो सकता है, इसके लिए उसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद करी पत्ता फ्राई कर लिया। करी पत्ता ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। इसमें लगने वाली हर चीज़ अच्छे से फ्राई कर ली थी, मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। सबसे लास्ट हमने 100 ग्राम रोस्टेड चना दाल को फ्राई कर लिया। थोड़ा ठंडा होने के बाद यह प्याज एकदम कुरकुरा बन जाता है, हमें ऐसे ही चाहिए। अब चिवड़ा बनाने के लिए एक फोड़नी बना लेंगे। फोड़नी मतलब तड़का। सब फ्राई करने के बाद जो बचा हुआ तेल है वही हमें गरम करना है। 1 टीस्पून राई का दाना उसके अंदर डाल देंगे और राई फूटने के बाद इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ साबुत धनिया और सौंफ। अब तुरंत गैस बंद करके हमें इसके अंदर डालना है 1/4 टीस्पून हींग, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे हल्दी और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर तीखी वाली लाल मिर्च। मसाले जलने नहीं चाहिए, इसके लिए गैस बंद कर लिया था, लेकिन इस स्टेज पर हमने गैस वापस से ऑन कर लिया है और फिर इसके अंदर पोहा और मुरमुरा डाल दिया। फ्राई किए हुए नट्स भी इसके अंदर डाल दिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर महादेव ने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया। मैंने देखा है इस प्रोसेस से जब हम चिवड़ा बनाते हैं ना, मतलब तड़का बनाने के बाद इसके अंदर सब चीज़ें डाल के और 5-7 मिनट जब हम इसे लो फ्लेम पर भूनते हैं ना, तब चिवड़ा ज़्यादा दिन तक बिल्कुल क्रिस्पी रहता है, बिल्कुल कुरकुरा रहता है। बस आपको एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रखना है। महादेव ने इसे कंटिन्यूस चलाते हुए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया 5 मिनट के लिए। लास्ट में हमने इसके अंदर 2 टीस्पून नमक डाल दिया और 2 टीस्पून आमचूर पाउडर। मिलाने के बाद गैस बंद करके हमने इसे ठंडा कर लिया और उसके बाद
तीन चम्मच पिसी हुई चीनी डाली। आप भी जब चिवड़ा बनाएंगे तो ठंडा करके उसके बाद ही ये पिसी हुई चीनी आप डालिए। गर्म में अगर डाल देंगे तो चीनी पिघल के चिवड़ा स्टिकी होने का डर होता है। तीनों ने हमने जब टेस्ट किया ना, वाकई में बहुत टेस्टी बनाया है चिवड़ा। ये तो खाने में वैसे भी बहुत टेस्टी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा कटा हुआ प्याज, थोड़ा धनिया और नींबू निचोड़ के डाल के इसे मिक्स करके खा के देखिए आप, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। बिल्कुल फ्रेश चिवड़ा इसी तरह से सब चीज़ें मिलाकर हम सब पूरी टीम ने खाया, सब ने इसे बहुत एंजॉय किया। इस दिवाली में आप भी इसे बना के देखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और देव्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिए।